सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ एवं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हिसार के सौजन्य से पलवल में कोविड-19 रोधी पूर्ण टीकाकरण करवाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी, पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार और सिविल सर्जन डॉ. ब्रह्मदीप सिंह शामिल हुए। अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये मोबाइल वैन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना के संक्रमण के बारे में जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करना जरूरी है। 96% जनसंख्या को पहली डोज लग चुकी है, 2/3 से ज़्यादा को सेकंड डोज लग चुकी है और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, खासकर रूरल एरियाज में, दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर सेकंड डोज वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी गैप्स हैं और जब तक हम सेकंड डोज अपनी ड्यू डेट के हिसाब से नहीं लगाएंगे तो सुरक्षा चक्कर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। तो लोगों तक ये जागरूकता फैलाने के लिए जहाँ मास मीडिया अपना काम कर रहा है, वहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो इस तरह की जागरूकता मोबाइल वैन चलती हैं तो लोगों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। इसी दिशा में हरियाणा के अनेक गांवों में इस तरह की मोबाइल वैन चलाई जा रही है और आज इसका शुभारंभ यहां पर पलवल से किया गया। माननीय उपायुक्त महोदय ने, डीसी साहब ने जो ये की है, वैन फ्लैग ऑफ की है, एडीजी साहब ने भी इसमें ज्वाइन किया, ये एक पहलू है जो कि समाज में जगह जगह जाकर कॉलोनियों में जागरूकता के मैसेज स्प्रेड करेगी। दूसरा पार्ट इसके अंदर किया गया वो है एक नुक्कड़ नाटक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीनेशन के ऊपर जागरूकता शिविर रखा गया, खास तौर से युवाओं के लिए। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को अपना पूर्ण टीकाकरण करवाना चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से सभी स्कूलों में, सभी गांवों में डोर टू डोर कंटेक्ट करके भी और अलग अलग जगह कैंप लगा के भी वैक्सीनेशन की डोज दी जा रही है और उसी श्रृंखला में आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम की गई, इस वैन को हरी झंडी दिखाई गई है और